नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मेरे पास निकॉन का मशीन है और इसका मॉडल नंबर है दोस्तों NPL 22-5 है। दोस्तों, इस मशीन में इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं पूरा प्रोसेस बताएंगे शुरू से एंड तक। आप दोस्तों वीडियो पे बने रहिए और पूरा एंड तक देखिए। और दोस्तों, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं उसको भी दिखाते हैं दोस्तों। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम फिर प्रोग्राम पे जाएंगे, की नंबर 4 को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे है 1 2 3 4, 4 नंबर पे जाएंगे RDM कॉन्टेक्ट पे। 4 नंबर पे गए, इस बाद इसको इंटर क्लिक करेंगे। इंटर क्लिक करने के बाद हम टारगेट को सेट करेंगे। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे एक प्रिजम है मेरा, यहाँ पे जो प्रिजम है, प्रिजम को डिस्टेंस एक बार देखेंगे। प्रिजम का डिस्टेंस है वो दरवाज़ा तक, मिसे वो डोर तक का डिस्टेंस हम आपको चेक करवाएंगे वो कितना डिस्टेंस पे है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते रहिए। उसके बाद वो यहाँ तक बता रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ मेरा मशीन से वो मेरे प्रिजियम तक का डिस्टेंस बता रहा है, 1 मीटर 610 mm बता रहा है। इसके बाद हम इसका यहाँ मेरे प्रिजियम से वो डोर तक का डिस्टेंस अगर चेक करेंगे तो हम यहाँ पे तो मेरा हो गया। अब मेरा डोर तक का मेरे साइड करेंगे टारगेट, वो डोर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेक करेंगे। जैसे वो डोर का चौड़ा वो वाला कोना से, राइट साइड का कोना से, और लेफ्ट साइड का जो बोर्ड दिख रहा है दोस्तों, ये वाला बोर्ड, बोर्ड का डिस्टेंस का दरवाज़ा है वो चेक करेंगे दोस्तों। आप वीडियो पे बने रहिए, आप देखते रहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंटर प्रेस करेंगे। इंटर करने के बाद हम और दरवाज़ा के राइट साइड का जो छोर है, राइट साइड का जो कोना है, उसे हम डिस्टेंस चेक करेंगे। इसके बाद दूसरा तरफ का, सो मेजर हम प्रेस करेंगे। मेजर प्रेस करने के बाद मेरा यहाँ पे जो डिस्टेंस आया 2 मीटर 240, और मेरा मशीन से दरवाज़ा के राइट साइड का कोना है वो वहाँ तक इसका डिस्टेंस बता रहा है दोस्तों। और इसके बाद वहाँ से अगर इधर दूसरा वो वाला कोना से, राइट साइड का कोना से, अगर इधर का जो बोर्ड का ई है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वहाँ तक अगर चेक करेंगे तो फिर हम टारगेट को सेट करेंगे। घुमाएंगे यहाँ तक, तो करने के बाद इसको मेजर प्रेस करेंगे। मेजर प्रेस करने के बाद मेरा बता रहा है वहाँ से 1 मीटर है, 1 मीटर 80 mm है, तो पूरा इसका दोस्तों 1 मीटर है हुआ। ठीक ना दोस्तों, वीडियो पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ओके, वेरी वेरी थैंक यू।